2000 का किलो। तो देखते हैं मैं वीडियो अपने रियल पर देंगे। कौन है करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। 600 रुपए का एक पीस ये कहाँ से आता है? अरे 100 रुपए किलो। और ये हरे वाले अंगूर, ओ माय गॉड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैंने कहा सबसे पहले आपको दिखाती थी मैं कौन सी ड्रेस पहन के जा रही हूँ आज। भाई खैर ये जरूरी नहीं था, आज मैं बाहर जा रही हूँ। और मुद्दे की बात ये है कि मैंने सोचा कि चलो बाहर जा रही हूँ तो व्लॉग भी बना लेती हूँ। और फिर जब व्लॉग बनाऊंगी तो मैंने सोचा क्या व्लॉग बनाऊँ। आज बाहर जाकर शॉपिंग भी आपको दिखा दी है, बाहर की जगह भी दिखाई है, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको दिखाती हूँ कि रमज़ान में जो फ्रूट्स हैं उनकी प्राइसेस क्या है। तो आज डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी आज के व्लॉग में, उनकी प्राइसेस दिखाऊंगी और साथ साथ आपको बताऊंगी, कोशिश करूंगी अगर कोई बता सका कि भाई कितना डिफरेंस आया है प्राइसेस में, वो सब आपको बताऊंगी। तो उबर मैंने करवा ली है, बस थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। बट मुझे ज्वाइन करेंगे आज हमेशा की तरह ये नन्हे मुन्ने से बच्चे। और इनकी मामा कहाँ है? हेलो, वेयर इज योर मामा? वेयर इज वॉशरूम में है। ओके, तो हम लोग वेट कर रहे हैं भाई उबर का और फिर हम लोग मिलेंगे आपसे किसी रेड़ी पर या किसी दुकान पर, ठीक है, फ्रूट वाली। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट रेड़ियों पर। तो अब हम इनके पास जाएंगे और इनसे पूछेंगे भाई कि क्या रेट्स हैं। आई एम श्योर सबके अलग अलग होंगे और अगर नहीं हुए तो फिर मैं बहुत हैरान होंगी। तो चलिए चलते हैं। तो भाई यहाँ पर हम लोग आए हैं, ये एक ठेला तो नहीं है, रेड़ी भी नहीं है, मेरा हमें ये ऑटो है जिसके ऊपर फ्रूट्स वगैरह लगाए हैं, काफ़ी अच्छे फ्रूट्स हैं। तो अब हम सबकी प्राइस पूछेंगे। और यहाँ पर कोकोनट भी है, साथ में पपाया है, सेब है, अनार है, स्ट्रॉबेरी है, अंगूर हैं, माल्टे हैं और एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है जो कि मुझे इसका नहीं बिल्कुल भी पता, लेकिन वो कह रहे हैं रसबरी है। रसबरी बोला ना आपने, तो सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं भाई खरबूजों की क्या। 200 रुपए किलो खरबूजे, 200 रुपए किलो हैं। माल्टे, अच्छा मौसमी 250 रुपए दर्जन है। और स्ट्रॉबेरी 500 रुपए, 500 रुपए किलो, 500 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी अच्छी है ना। और कीवी 800 रुपए किलो। और ये हरे वाले अंगूर, ओ माय गॉड, 2000 रुपए किलो। ये 2000 रुपए किलो अंगूर इतने महंगे क्यों हैं? कौन से अंगूर है? अच्छा, और ये वाला अंगूर पाकिस्तान का है? ये कहाँ से आता है? 1200 रुपए किलो। तो भाई पाकिस्तान में कोई अंगूर नहीं मिलता? अच्छा, मतलब ये हमारे सीजन के लिहाज से नहीं है भाई। ये 1200 रुपए किलो अंगूर है जो कि ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, लोग लेते हैं? फिर लोग तो कहते इतनी महंगाई है, तो ये कैसे हो जाता फिर? अच्छा, हमें ही लगता है टीवी में बैठ के। सही। अच्छा, इसे चीकू का क्या बताया था? सॉरी, कीवी का क्या बताया था? 800 रुपए किलो। और ये माल्टे भाई, किन्नो में और माल्टे में क्या फर्क होता है? हमारी जुबान में किन्नो कहते हैं, पंजाबी में इसको माल्टा कहते हैं। आपकी जुबान कौन सी है? अच्छा, उर्दू में किन्नो कहते हैं, पंजाबी में माल्टा कहते हैं। चलो आज पता चल गया मेनू। एनीवे गाइस, और अभी हम भरते हैं। और वो जो सेब है वो किस तरह? 200 रुपए किलो। और जो रसबरी है वो 16 रुपए। ये कहाँ से आई है? कराची से। तो ये इतनी महंगी क्यों है? ये नया चीज़, ये कैसा होता है? मीठा होता है, क्या होता है? खट्टा मीठा होता है। ट्राई करना चाहिए था, है ना? इसके साथ एक और पड़ा हुआ है, वो क्या है? ये चीकू है और ये था कीवी। ओके, ये चीकू है। और ये इमली कितने की है? 600 रुपए का
डब्बा इसमें कितनी होती है? एक पाव 600 रुपए की। ओके भाई, ये इमली का एक पाव का डब्बा 600 रुपए का है। खजूरे और इसमें कितनी होती है? पाव है आधा किलो का, आधा किलो से ज्यादा, और 700 रुपए का। और ये लाल अनार 800 रुपए किलो। और ये सफेद वाला 650 रुपए किलो। पपीते का नहीं मैंने पूछा, पपीता कितने का है? 300 रुपए। और ये क्या से बोलते हैं, कोकोनट 600 रुपए का? ओह माय गॉड, 600 रुपए का एक पीस? डेढ़ गिलास पानी होगा, बड़ा ज्यादा है। 600 रुपए का एक पीस, ये कहाँ से आता है? ये थाईलैंड में आता है, इंडोनेशिया में आता है। भाई ये तो बहुत ही महंगा है, 600 रुपए का एक पीस जिसमें से डेढ़ ग्लास पानी निकलेगा। चलें ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि रोजों से पहले और रोजों के बाद अभी मतलब कुछ प्राइस में कितना फर्क पड़ा है? हमारा तो ये तकरीबन जो है ना 12 महीने में मिल सेट होगा, गांव में यही रेट होगा, सेम ही रेट होता है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं हमारा ये अनार का टाइम नहीं है, तुर्की से हमारा अनार। अच्छा, ये रेट ऊपर है इसका, वो थाईलैंड की इमली है, ये ईरान की खजूर है। भाई हमारे अपने मुल्क में कोई चीज नहीं बनती भाई, आती है सारी चीजें, टाइम नहीं है ना, हमारे जो फल है उनको देर है। तो लोग ये कहते हैं कि हर मौसम में हो, ये सर्दी शुरू होती है तो अनार शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, अभी ये स्टोर में आ रहा है उसका वो अच्छा नहीं होगा, ये बाहर से आ रहा है। तो भाई ने बताया कि जो इंडिया से अंगूर आता है ये थोड़ा टेस्ट में खट्टा होता है, और इसकी जो स्किन है ये थोड़ी मोटी होती है, और हमारे यहाँ पर जो अंगूर पाकिस्तान में होता है उसकी स्किन थोड़ी पतली होती है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो अभी भाई हम लोग जाते हैं बाकी रेड़ियों पर और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर फ्रूट्स के रेट क्या हैं। मुझे ये बताएंगे खरबूजे किस तरह है? 200 रुपए किलो। और ये स्ट्रॉबेरी और ये सेब, सेब 200 रुपए, ये 300 रुपए किलो है, और ये 200 रुपए किलो है, और ये वाले 150, और ये जो केले हैं 250 रुपए किलो। तो सॉरी, हाँ 250 रुपए दर्जन है, सही। तो मुझे ये बताएं कि रोज़ों से पहले सस्ता था या रोज़ों में महंगा ज़्यादा हुआ है? ज़्यादा महंगा हुआ है। कितना कितना फ़र्क पड़ा है? 50-50 रुपए का फ़र्क पड़ा है। हाँ हाँ, चले लोग खरीद रहे हैं, चले बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, यहाँ पर जो स्ट्रॉबेरी है वो 350 रुपए किलो लगी हुई है, उन्होंने भाई लिख कर लगाया हुआ है कि ये स्ट्रॉबेरी जो है ये 350 रुपए किलो है। अब बाकी सेब वगैरह और केले वगैरह तो मैंने आपको दिखा दिए हैं, अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर अमरूद जो है भाई, उन्होंने भी लगाया भाई ये 200 रुपए किलो हैं। यकीन मानो शक्ल से तो मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन पता नहीं ये 200 रुपए किलो क्यों हैं, ये नहीं मुझे पता, बट इस यही प्राइसेस हैं भाई। और केले वाला आदमी भी यहाँ पर मौजूद नहीं, नहीं तो मैं पूछती हुई केले की सारी। वो थी एक रेड़ी है जो कि बाइक के साथ लगाई हुई है। और बाकी आप ये देखें कि भाई यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसे ही शॉप्स हैं, ये आपको रेड़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फूड जो है वो आपको देखने को मिलता है। और सायमा बाजी मेरा इंतज़ार कर रही हैं, थैंक यू सो मच बच्चों एंड सायमा बाजी, आप लोगों ने मेरा वेट किया, थैंक यू। चलो चले, अब गर्मी है, मज़ा आ रहा है, चलो फिर चले, ठीक है। पुत्र बड़ी महंगाई है, शॉपिंग नहीं होती हूँ। चलो चले। गाइस, मेरी बहन को जो कीवी है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने कहा कि जाते जाते हम लोग कीवी ले लेते हैं। और कीवी के साथ मैंने सोचा वो जो रसबरी है ना थोड़ी सी, वो देखते हैं कि कैसा है, वो लेते हैं, क्योंकि मैंने कभी टेस्ट नहीं की उसको। भाई ये तीन, एक चीकू हमें 100 रुपए में, कीवी 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 कीवी, एक कीवी हमें 100 रुपए में पड़ रहा है, ठीक है तीन दे दे, है ना। मतलब हाफ 50 रुपीज की बनेगी, 50 की, ठीक है ना भाई। मैंने कभी टेस्ट नहीं किया तो मैं इसको अब टेस्ट करूंगी। 500-600 का दाना, 50 रुपए की दे दे यार, अच्छी पीले दाने डाल दे। हाँ, जो खाकर मजा भी आए, पता भी चले क्या होता है ये कर रहे हैं दाने। हाँ करने हैं भाई, 300 रुपए इसका बना, 50 रुपए उसके बनेंगे। ये क्या है, एक्स्ट्रा है? ये चुंगा मुंगा है भाई, ये चुंगा मुंगा भी हमें मिला है, कभी खाया नहीं है। हाँ जी, हाँ ठीक है ठीक है, अच्छी 1200 रुपए किलो भाई, 350 रुपए तो आगे लगी हुई है।
अब ये कहाँ की है स्ट्रॉबेरी, पाकिस्तान की नहीं है, स्पेशल है ना आपके लिए। बस मोटा था ना भाई, आप लोगों ने अलग अलग किया होता, नहीं हमें पाकिस्तान की चाह दे दो। सो भाई ने मुझे बहुत अच्छी अच्छा फ्रूट दिया है और ये मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिल गई है, मतलब फ्री में एक पाव मुझे जो है ये मिल गई है, क्या इसको बोलते हैं। तो भाई रसभरी का मुझे नाम भूल जाता है हमेशा से, तो ये रसभरी जो है ना ये मुझे चुंगा मुंगा में मिल गई है फ्री में, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस इस लोडर पर भी कोकोनट काफ़ी ज़्यादा है, इनसे पूछें भाई कितने का है कोकोनट, 500 का एक। हाँ जी 480 का वगैरह मैं दे दूंगा और 580। ओ गॉड 500 सिर्फ एक कोकोनट यार। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आज इस खातून ने मुझे बहुत तंग किया है, ये स्टोरीज मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। और कुछ चीजें ली हैं घर वालों के लिए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं शॉपिंग बैग्स। अब ये शॉपिंग बैग्स जो हैं ये अनबॉक्स हम करेंगे, ये गिफ्ट्स जो हम लेकर आए हैं ये हम अनबॉक्स करेंगे अब बाद में। वेट रुको ज़रा, सब्र करो और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इसका व्लॉग मैं अब आपको नेक्स्ट टाइम पे दिखाती हूँ। और सांवाजी जितना आपने मुझे तंग किया है उसकी स्टोरीज मैंने नेक्स्ट व्लॉग में बतानी है, तो सब्सक्राइब कर दो सब, इसको सब्सक्राइब करें, इसको नहीं चैनल को करना सब्सक्राइब यार, इसकी चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, शेयर करें, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय। वीडियो खत्म हो गए भाई साहब, आपने कहीं भाई बोलते हैं भाई साहब पाकिस्तान की भी वीडियो दिखा दो भाई, फैमिली आज लेकर आ गए मौजम और ईमान, ये इनका एक रिएक्शन चैनल भी बहुत, जब शुरुआत में हमने रिएक्शन चैनल स्टार्ट किया तो मैं अक्सर इनकी वीडियो देखता था, बहुत कुछ सीखने को मिलता, इनका स्टाइल बड़ा धास होता, इनका रिएक्शन देखने ना पूरा डिटेल में हर एक पॉइंट पे बात करते हैं, सही वो बढ़िया रहता, हमारा तो भाई अलग ही रिएक्शन हो जाता है, एक सारी वीडियो देख ली एक पॉइंट पे बस हमारी सुई अटक गई तो बस उसी पे बहस चल जाए। तो बाकी बात करें फ्रूट की कीमतों की, तो भाई साहब आपने अपनी आंखों से देख लिया 2000 रुपए का अंगूर, हमने अपनी आंखों से बेचारी जनता पर जुल्म उतर देख लिया भाई, और 2000 का किलो खाने के लिए लेकर गई है कि सूखने के लिए लेकर, अरे भैया रमजान में। अच्छा दूसरी चीजें तो तकरीबन समझ में आ रही थी, 500-600 ये 2000 के वो कहां से हो गए, रिपोर्ट करने पड़ते भाई साहब, ये पिछले साल तो इस बाइक खरीदेगा कौन 2000 रुपए इतने आने वाले क्या बात करता कि सारे लोग, और ऊपर से कह रहा था भाई ये कट्टे होते हैं मीठे भी, इनका भी मोटा होता है ना परत भी, लेकिन जो उनको गोल होते हैं ना छोटे पाकिस्तान में रहते तो दोनों किस्म के होते हैं, वो जो गोल होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से कह रहा था, ऑस्ट्रेलिया से आया ये, हाँ वो मीठे बहुत होते हैं, हाँ वो जो गोल होते हैं जो पाकिस्तान में जो नस्ल है वो मीठे भी होते हैं, सुंदर खाने के मोटे नहीं होते, नहीं नहीं क्या वो सुंदर खाने होता है बहुत मीठा होता है, वो ज्यादा मीठे अनार जो देखो भाई साहब कितने महंगे, 300-400 रुपए में अच्छा क्वालिटी का मिलता है, मतलब ज्यादा अच्छी क्वालिटी का तो और भी ज्यादा महंगा होगा, प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा दाल हो तो वो थोड़ी थोड़ी हल्का हल्का सफेद हो वो 300 रुपए का मिलता है, और बाकी मौसमी की बात करें 250 रुपए दर्जन, कुछ हफ्ता पहले ये 40 रुपए का जो है वो दाम भी बदल रहा है, किन्नू को माल्टा कहते हैं, माल्टे की फ्रूटर भी होते हैं और भी कई किस्म, ये मैंने तो सुना था भाई साहब ये पाकिस्तान के ने नस्ल बनाई है ये माल्टे की खुद, और ये वाकई दुनिया में दूसरी मतलब कंट्री में सऊदी अरब दुबई में भी हर चीज पाकिस्तान की जो है ना फ्रूट ये महंगा होता है दूसरे कंट्री में, इसमें मिठास होती है। अच्छा वो खजूर नहीं आप दूसरे कंट्रियों में यहाँ सस्ता नहीं, ये सबसे ज्यादा इंडिया का जो अंगूर 2000 रुपए किलो था, ऑस्ट्रेलिया का 1200 रुपए किलो था, इसका मतलब सारा इंडिया वाला हमसे हमें ज्यादा महंगा दे रहा है, और कहीं अगर अगर इंडिया में बात करें तो 40-50 रुपए किलो होना उधर, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा 100 का हो जाएगा।
इसका मतलब हमें इंडिया से इंपोर्ट नहीं करना चाहिए हमें तो भाई फिर भी अच्छा ऑस्ट्रेलिया दूर पड़ रहा है उसके सस्ते पड़ रहे हैं इंडिया करे ये सीजन पर ये भी तो रे चक्कर लगा कर इधर आता है ये कैसा क्या कर रहा है ये मुसलमान करते ना महंगी पड़ जानी है सऊदी अरब से ज्यादा बहुत ज्यादा महंगाई वो वालदा गई थी आज पे भाई उन्होंने लाया था कई खजूरों की किस्में भाई बहुत महंगी है वो इतनी इतनी लंबी खजूरें थे भाई और खाने में बड़ा टेस्ट उनका अलग अजवा अजवा खजूर में वो गिटक भी नहीं होती ये रस भरी जो है हमारे यहाँ जो ये बेच रहे होते हैं मार्केट में वो जिसको रस भरी कहते हैं वो तो एक अलग किस्म की होती है जैसे लुगाड़ नहीं होती शक्ल की लाल रंग में होती है वो रस भरी नहीं होती नहीं रस भरी होती है बकायदा उन्होंने लगाया लिख के लगाया होता है भाई अच्छा ये तो खुशक थी पता नहीं ये इसको शायद कोनी हो गया नहीं इसके ऊपर छिलका होगा ना नहीं छिलके तो फिर ये भी रस भरी होती जैसे सेब की नहीं होती परत एक वैसी परत उस चले भी भाई मैंने दिन की मैंने खाई है रस भरी खानी पड़ेगी किस तरह किलो का बोल ही थी वो बहन बोल थे किलो के हिसाब से किलो के हिसाब से दर्जन के हिसाब से खान के लेको वो निकल जाता खान साहब की तरह ये नवाज शरीफ मरियम की तरह लेकिन लीडर बोल देते हैं भाई हमें बोल देते लेकिन भाई साहब वीडियो बनाए भाई ये तो मैं कहता हूं अच्छा ये तो ईरान करने वाली बात है भाई साहब हम खुद ईरान होके आ रहे हैं हमारे यहां से स्ट्रॉबेरी जो है 120 150 के किलो है 500 600 300 की ये मुझे ना हर बंदे का भाई साहब अपना अपना रेट है वो जो है कोकोनट का क्या 600 का एक है दूसरे का 480 हमारे पास जो नजदीक में मिलती है 120 30 या 150 रुपए मिलती है वो होती भी ऐसे ही है भाई इस बात को मानते हो स्ट्रॉबेरी ज्यादा देर नहीं एक दो दिन निकालती है रास्ते में खराब हो जाती है ऐसा ही है तो इसकी कितनी है ये चांदी का ये भी है फर्क होता है वैसा क्वालिटी का होता होगा वो एक तो 500 की बोल रहा मुझे तो वो वैसा ये जो खेलने वाला था ना जो सारा माल बाहर से मंगाता है वो खुद से भी लुटना बाजार लगा के बैठा हुआ है हो सकता है बाहर का नाम चलाकर वो लूट रहा है अच्छा बिल्कुल ऐसा हो सकता है भाई ये होगा उसी का वाला सारा माल है बहुत आम रेट पर उसने देखी नहीं होगी ये भी एक चीज है मैं जब वो बहन आई थी ना उस ठेले पर मैंने बोल दिया था उस टाइम पे सबसे महंगा ये जिस ठेले पर सिर्फ एक ही चीज होती है ना उसका सस्ता रेट होता है और जिस दिन भाई साहब इतनी ज्यादा चीजें रखी उसने हर तरह से चमड़ी दे दी कोई ना कोई लूट तो ले गई ना लेकिन भाई इंडिया का भी रेट बताइएगा जरूर वैसे हमने तो भाई जो अंगूर से देखे थे उधर वीडियो 50 रुपए 30 रुपए 20 रुपए मिल रहे थे और केले केलों के भी यही 10-20, 10-20, 15-20, 30 इतने तक असल में आज मैं खबरें सुन रहा तारक भाई वो जो है ना टमाटर वो 350 से ऊपर चला गया एकदम से 100-150 की प्राइस बढ़ी है और वो 600-700 पर चला गया शॉर्टेज हो गई है इस वजह से सब्जियों के फ्रूट बढ़ रहे हैं लेकिन अभी बारिश होगी कुछ बेहतरी हो ही जाएगी बारिश में शायद बारिश से तबाही भी ज्यादा हो रही ज्यादा बारिश है ना हजार में ज्यादा नुकसान हो रहा है बलूचिस्तान भाई साहब बहुत उधर नुकसान हुआ है पाले पड़े हैं उधर इधर तो भाई साहब मरी के अंदर वो कश्मीर के अंदर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए इतनी बारिश है और हमारे यहाँ की फसल भाई साहब पकी पड़ी और मैं आए सुबह फिर रहा था ना खेतों में भाई साहब वो सिट्टा जाता ना ब्लैक में हो रहा है काला हो रहा है फंगस तो लगेगी ना नमी की वजह से फंगस ने तो लगने चले जी ठीक है भाई अपनी रात रुकता है कमेंट सेक्शन में अमरूद का रेट यहाँ पे 200 रुपए किलो 250 रुपए केले 300 रुपए बेबी मिल जाती ये केले नहीं केलियां हैं वैसे वो एक न्यूज एंकर वो बैठा था ना एक लेडी के सामने कह रहा था वो उधर का केला तो इतना ही था एक पाकिस्तानी की वीडियो पे उनका इंटरव्यू था कहता मेरी इंडिया में बात होती रहती था एक पाकिस्तानी साथ में खड़ा था कहता केले का रेट पूछो केले का रेट पूछो केले का रेट बता दो तो ठीक है भाई आपने सारी चीजों का रेट देख लिया असल में एंड में जो शॉपिंग की इतनी ज्यादा वो आपने बताई नहीं हां वो दिखाई भाई अच्छा किया बच गई मैं तो कहता नहीं उन्होंने कहा ना कि पुत्र महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई बहुत ज्यादा ये अच्छा एक मिसाल अच्छी है भाई साहब
ये थोड़ी थोड़ी चीज खा के भाई साहब गुजारा कर लो, यही बड़ी बात। वो रोजे होते हैं थोड़ा थोड़ा ही खा के पेट भर जाता है। चले जी ठीक है, बेबनी रहा जरूरत है, कमेंट सेक्शन में मिलते हैं, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।